हेलो व्यूअर्स, तो आज अपने लोग बहुत ही मस्त सी और इंटरेस्टिंग सी गेम खेलने वाले हैं। और ये गेम का नाम है सुपर बिनेगो। जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यार अपने लोग इस गेम के अंदर कितने आगे के लेवल्स तक आ चुके हैं। तो ये जो लेवल मैं खेल रहा हूँ ये 29 लेवल है और बहुत ही मतलब मस्त सा होने वाला है ये लेवल, क्योंकि यार डिफिकल्टी जा रही है। मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस गेम प्ले को करने के अंदर और आई होप कि आप लोग को भी इस गेम प्ले को देखने के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा। तो यार फटाफट से अपने लोग देर कर गेम प्ले को अपने लोग पूरी तरह से मतलब फटाफट से जीत जाते हैं और नेक्स्ट गेम प्ले जो हम लोग करेंगे तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा गेम प्ले होंगे अपने को उतना ही ज़्यादा आसान रहेगा। एक वीडियो के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा गेम प्ले अपने लोग कर लेंगे तो यार फिर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गेम प्ले जितने भी हैं लेवल्स उन सबको अपने कवर कर लेंगे वीडियोज़ के अंदर। तो वैसे मैं अभी दो दो लेवल्स तो खेल ही रहा हूँ ज़्यादातर, मतलब मैक्सिमम जो अपनी वीडियोस के अंदर हो रहे हैं एक वीडियो के अंदर अपने दो लेवल्स तो कंप्लीट कर ही देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ेदार सी गेम है यार, इसको जितना भी ज़्यादा खेलता हूँ उतना ज़्यादा मेरे को मतलब मज़ा ही आता रहता है गेम प्ले करने के अंदर। बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग सी गेम है वैसे ये। तो देख ही सकते हो यार कितने सारे मतलब खतरे हैं अपने लिए और कितनी सारी डिफिकल्टी है, ये आप लोग देख ही सकते हो। देखो यार मतलब कभी फूल आ जाता है तो कभी इस तरीके का मतलब चीज़ें आ जाती है यार पैर के बीच में बिल्कुल मतलब बहुत ख़राब तरीके से। तो यहाँ पे से मैं खुद तो सामने की साइड पर चला जाता हूँ और बहुत सारे कॉइन्स हैं लेकिन यार जो जगह है मेरे को कोई सेफ जगह नहीं लग रही है। तो यार मतलब कॉइन्स लूँ या ना लूँ मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यार कॉइन्स तो आगे भी बहुत सारे काम में आने वाले हैं। तो यार कॉइन्स की मतलब लालच जो है मेरे अंदर बढ़ती जा रही है, तो मेरे को पता है क्योंकि कॉइन्स जो है यार आगे गेम के अंदर मतलब कहीं पर अपने एकदम अटक जाते हैं तो वहाँ पर अपने को कॉइन्स की वजह से आसानी से लोग निकल जाते हैं। तो चलो यार मैं फिर से इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ, ये वाली गेम को वापस से स्टार्ट करते हैं अपने लोग 29 वाली गेम को। तो मेरे हिसाब से तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 50% जो है गेम प्ले को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और गेम तो अपनी अभी अभी ही शुरू हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कॉइन्स के लालच को अपने मतलब बिल्कुल साइड पे रख दूँ और फिर गेम प्ले करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यार कॉइन्स जमा करने के चक्कर के अंदर मैं बार बार हार रहा हूँ गेम को और इसकी वजह से यार अपनी बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है। तब तो मैं मतलब बिल्कुल कॉइन लिए बिना जाने वाला हूँ, कॉइन्स करो तो यार बिल्कुल साइड पर, अपने को लालच वाले बिल्कुल भी नहीं है, लालच अपने बिल्कुल छोड़ दिए और कूदना है यार सामने। लेकिन यार सबसे बड़ी मेरी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये जो मकड़ी यार होती है, मकड़ी बहुत खतरनाक होती है, अगर अपने इसके हत्ते लग जाते ना तो मतलब बिल्कुल अपनी हालत ख़राब करके रख देती यार ये मकड़ी को। मतलब क्या बोलो यार, मकड़ी को मक्खी बोल रहा हूँ यार, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये अभी यार फूल उगेगा, फूल उगे लेको अपने ने वापस से मुड़ जा दिया। तो चलो अपने वापस से अपने फटाफट से स्पीड में जा रहे हैं और जितने भी फूल आएंगे यार बड़े बड़े दांतों वाले फूल, मतलब राक्षसी टाइप के फूल है, बिल्कुल डेविल टाइप के दिख रहे हैं मेरे को। तो अपने एक और जंप लगा दिया अपने लोगों के सामने। वाह भाई वाह, क्या बात है। नीचे यार मतलब बिल्कुल आंटी जी दी हुई है बड़ी बड़ी आंखों वाली और उसके पास अपने को कॉइन्स दिए हुए, मतलब बहुत गलत बात है यार, तो बिल्कुल ही गलत बात है। मेरे को तो नहीं लगता है कि ये गेम प्ले मतलब ज़्यादा देर का है, क्यों यार मज़ेदार गेम प्ले है यार ये, वैसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम प्ले और कंप्लीट भी हो रहा है यार इतनी जल्दी से। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऑलमोस्ट यार अपने 3-1 मिनट के आसपास के गेम प्ले को अपने मतलब गेम प्ले को 3-1 मिनट का बहुत ही आसान रहा है गेम प्ले। तो चलो अपने लोग नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ जाते हैं और यहाँ पर अपने लोग को यार कोई लालच वालच तो वैसे नहीं है कि अपने कुछ कॉइन्स जमा करेंगे या नहीं करेंगे। मैं तो कॉइन्स वॉइन्स को बिल्कुल रख देने वाला हूँ साइड पे, क्योंकि यार कॉइन्स के चक्कर के अंदर बहुत बुरी हालत हुई थी अपनी, जितने आएंगे कॉइन्स अपने उतने लेंगे और ये गेम प्ले को अपने लोग फटाफट से निपटाएंगे। तो यार ये वैसे सामने की साइड पर से जो अपने ऊपर और ये सब जो घूमती हुई कांटेदार जाले यार, इनसे डरते डरते मैं गिर गया। तो फिर से अपने लोग गेम प्ले करते हैं 30वां लेवल अपना, फिर 30 लेवल यार थोड़ा सा हार्ड टू होने ही वाला है, क्योंकि मेरे को पता है इस तरीके का जो एरिया होता है इसके लास्ट में यार स्कॉर्पियन आता है, सॉरी यार स्कॉर्पियो आता है,
स्कॉर्पियन तो मैं वैसे मॉर्टल कॉम्बैट गेम के हिसाब से कह रहा हूँ, तो स्कॉर्पियो आने वाला है लास्ट के अंदर। चलो भाई अपने लोग फटाफट से सामने की तरफ एक और जंप कर देते हैं, और ये अपने लोग को राह देखनी पड़ेगी यार, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। गया मैं, मतलब कौन सी जगह के ऊपर इन लोगों ने लंबे होने वाला रखा है यार, मतलब बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं यार ये लोग। तो मैं फिर से यार बिल्कुल 50% भी नहीं हुआ यार, मतलब 50% एटलीस्ट हो जाता तो वापस से तो शुरू ना करनी पड़ती गेम। अभी यार बिल्कुल 0% शुरू किए मैंने, वापस से गेम को 0% शुरू कर दी, तो ये थोड़ी गलत बात है भाई, मतलब बिल्कुल गलत बात है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गलत बात है ये तो। ऊपर से यार आग के गोले ऊपर नीचे गोल गोल घूमते रहते हैं, अपने लिए यार ये गेम प्ले थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड होने वाला है सही बता रहा, क्योंकि इतनी लॉन्ग लॉन्ग जंप लगानी पड़ती है अपने को और छोटे छोटे पेड़ दिए हुए हैं तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है। चलो फाइनली मेरे हिसाब से तो मेरे को थोड़ा बहुत दिमाग लगा कि मैं इस गेम प्ले को इस बार तो मतलब कंप्लीट कर ही लूँगा ये सोच रहा हूँ यार, एटलीस्ट 50% हो जाए यार, 50% हो जा, क्योंकि यार मेरे को फिर से मतलब बिल्कुल 0% प्रोग्रेस यार। यार ये घूमने वाली जो चीज़ें आती है मेरी हालत ख़राब करके रख देती है भाई, सही बोल रहा हूँ मैं। अपने लोग वापस से गेम प्ले को स्टार्ट कर देते हैं, और घूमने वाले को घूमने दो, घूमने दो यार, उसके अकेले को घूमने दो शांति से, मैं यहाँ पर से वापस से चला जाऊँगा कोई बात नहीं। ज़्यादा अपने लोग को अगर उतावल करेंगे तो यार बहुत आसानी के साथ मैं हार जाऊँगा, सच बोल रहा हूँ, इसके लिए मेरे को थोड़ी सी भी उतावल नहीं करनी है, और जितने भी पॉइंट्स आएंगे उतने लेने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि यार आगे वो स्कॉर्पियो आने वाला है तो यार बैंड बजा के रख देगा भाई अपनी को, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा भाई। तो अपने पूछ चुके हैं सामने की साइड पे, और ये यार जो दिख रहा है आप लोग को ऊपर नीचे आता जाता हुआ ऐसे अजीब सा जगह, तो देख लो भाई क्या हालत बना के रखी हुई है यार इन लोगों ने अपनी। 50% तो कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन यार ये गेम बनाने वाला मतलब कितना निबरा होगा यार, कितनी खतरनाक गेम बनाई हुई है इसने, अजीब सा जगह यार, मतलब बहुत अजीब सी गेम है ये, टफेस्ट गेम से में से एक है भाई मेरे हिसाब से, ये बहुत टफ गेम है, ये बहुत टफ गेम, मतलब इसके कुछ लेवल्स तो ईजी है लेकिन यार ज़्यादातर लेवल्स जो है वो मतलब बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाले लेवल्स हैं। तो यार ऐसी जगह को पर कौन यार मतलब घूमने वाली चक्री लगा के जाता है, तो बनाई किस तरह होगी। तो फाइनली यार मैं एटलीस्ट 50% तो कंप्लीट कर ही चुका हूँ, ये एक अच्छी चीज़ हुई है अपने लिए, बहुत अच्छी चीज़ हुई है, जिसके बाद में अपने पास सिर्फ और सिर्फ अपने को कंप्लीट करने का रहेगा 20% ही है यार मेरे हिसाब से, तो ये सिर्फ और सिर्फ 20% बाकी रहा है, तो ये आपका गोला चला जाएगा सामने, उठ जाऊँ यार ये चक्री को जाने देता हूँ मैं, चक्री चले जाएगी तो ही जा सकूंगा। चलो यार जंप लगा दो फटाफट से, जंप एक और जंप और, ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुका हूँ, लेकिन यार फाइनली जो फाइनल जगह होगी वो मेरे लिए थोड़ी सी मतलब शॉकिंग तो जरूर होने वाली है, लेकिन फिर भी मेरे को पता है कि क्या देखने वाला है, देख ही सकते हो भाई खेकड़ा आ चुका है अपना, बीटल आया यार इसका, पहले यार स्कॉर्पियो आता था लेकिन इस बार बीटल आया, अजीब सा है यार वैसे ही, तो इसने मेरे को हरा दिया यार, मैंने इसको देखा और इसने अपनी तरफ ही देख लिया बिल्कुल पलट करके, तो मुक्कालात हो गई भाई जोरदार। तो अपने लोग वापस से इधर से जंप लगाएंगे, और अपना 20% जो बाकी रहा है गेम प्ले उसको अपने लोग फाइनली यार मेरे हिसाब से तो अभी तक कंप्लीट यार मतलब कर ही लेना चाहिए अपने को, थोड़ा सा इंतजार करके मैं जंप लगा दूं, और हो जा यार हो जा कंप्लीट हो जा, देख ही सकते हो यार कितनी खतरनाक गेम है यार, यो कितनी खतरनाक गेम है ये, इसको हराने के लिए मेरे को कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, तो मेरे पास कितने कॉइन्स है सबसे पहले तो मैं वो देखूंगा कि कितने कॉइन्स है मेरे पास,
मेरे पास 63 कॉइन्स है, मतलब दो अटैक्स तो अपने लोग आसानी के साथ कर लेंगे। तो दो अटैक्स मैं करूँगा उसके ऊपर, और उसके बाद दो बार तीन बार मेरे को उसके ऊपर जंप लगाना पड़ेगा। तो जंप भी अपने लोग लगा ही लेंगे, और कॉइन रह गया यार मेरा। कॉइन के चक्कर में भी अपनी जान चली जाती है। तो अपने यहाँ पर से जंप लगाया वापस से, और फिर से लेवल खेलना पड़ता भाई अपने को। चलो एक और जंप, और एक और जंप। जंप लगाते लगाते यार देखो यार, मतलब बिल्कुल हाइट कम हो चुकी है यार बेचारे मेरे कैरेक्टर। एक और बार यार। अपने को यार इसी तरीके से इसके साथ खेलना पड़ेगा। तो ये ले फाइनल यार, दो या तीन बाकी रहे होंगे। ये ले यार, बहुत आसान लग रही है, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाते हैं बहुत आसान लग रहा है। वो वापस से जिंदा हो उससे पहले अपने लोग उसके पास से हट जाते हैं भाई। फाइनली पता दिया इसको, तीन स्टार्स मिले भाई, वाओ। तो आप लोग को गेम प्ले कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यार मेहनत बहुत होती है गेम प्ले करने के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।